भूतिया क्रिसमस ट्री। आपने क्रिसमस की बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने किसी भूतिया क्रिसमस ट्री के बारे में सुना है? क्या होगा अगर क्रिसमस ट्री में से भूत निकलकर बाहर आए और वो बच्चों पर हमला कर दे या उन्हें गायब कर दे? ऐसा ही एक ट्री पालमपुर शहर के पास था, जहाँ पास में ही एक घना जंगल भी मौजूद था। उसी जंगल के बाहर वो इकलौता क्रिसमस ट्री था। दिसंबर का महीना था, स्नोफॉल हो रहा था। वहीं निकिता उस जंगल के पास से कार में बैठकर गुजर रही थी कि अचानक से उसकी नजर उस क्रिसमस ट्री पर जाती है और वो कहती है, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे नहीं लगा था कि इस जंगल के पास कोई क्रिसमस ट्री भी हो सकता है। इस साल मैं बच्चों के साथ यहीं पर क्रिसमस सेलिब्रेशन करूंगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, और क्रिसमस तो 3 दिन बाद आने ही वाला है। तभी एक डाकिया साइकिल से आकर रुकता है और कहता है, अरे ओ मैडम, इतनी रात में आप यहाँ इस सुनसान जंगल के पास क्यों खड़ी हो? अरे ये जगह डरावनी है, यहाँ पर मत जाओ। मैडम चली जाओ यहाँ से। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो 5 मिनट से यहाँ हूँ। क्या डरावना है यहाँ, मुझे तो सब बढ़िया लग रहा है। मैं तो बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाली हूँ, इसलिए इस पेड़ को इतना देख रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है पार्टी के लिए। मैडम मेरी मानो तो इस पेड़ से तो खास तौर से दूर रहो, क्योंकि जो भी पेड़ के पास से गुजरता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, वो इंसान मर जाता है। What rubbish? आप कुछ भी कह रहे हैं, चलिए जाइए, मैं अभी जा ही रही हूँ यहाँ से। आज के जमाने में भी ऐसी बातें होती हैं। तभी डाकिया अपनी साइकिल लेकर भाग जाता है। निकिता जैसे ही कार में बैठती है तो उसे अपने कार के शीशे में एक काली परछाई दिखाई देती है। वो जैसे ही अपने पीछे की सीट पर देखती है तो वो काली परछाई उसका गला दबा देती है और निकिता जोर से चीखती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो खुद को अपने बेडरूम में और सामने अपनी माँ जूली को पाती है। बचाओ, बचाओ, कौन है? जूली, माय चाइल्ड, कैसे हो तुम? मैं तो डर ही गई थी, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई वहाँ? मॉम, मॉम, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो जंगल में थी और वो काली परछाई, मुझे कुछ अजीब सा लगा जिस वजह से मैं बेहोश हो गई मॉम। बेटा, तुम्हें ढूंढते हुए मैं वहाँ आई थी, तो कार चलाकर घर ले आई तुम्हें। मैंने सुना है वो जगह निकिता, माय चाइल्ड, हॉन्टेड है। ओ गॉड मॉम, आप भी बहकी बहकी कैसी बातें करती हो? ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब एक कोइंसिडेंस है। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं वहीं पर ही सेलिब्रेशन करूंगी। हम इतने बड़े से क्रिसमस ट्री को ला नहीं सकते, पर सजा जरूर सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, हम तुमको किसी तकलीफ में नहीं देख सकते, यू नो ना? आई नो मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और उन बच्चों का भी, बट पार्टी तो वहीं करूंगी। पिछली बार मैं बहुत बेकार मूड में थी, अच्छे से सेलिब्रेशन ही नहीं हुआ था। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिन बाद क्रिसमस का त्योहार आ जाता है। उस दिन निकिता सभी छोटे बच्चों को बुलाकर सेंटा ड्रेस पहन लेती है और उन्हें गिफ्ट देते हुए कहती है, हो हो हो, मैं सेंटा क्लॉज, जो तुम्हें देगा बहुत सारे गिफ्ट। प्यारे प्यारे बच्चों को तो पहले बोलो मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। सेंटा क्लॉज, हमें भी अच्छे गिफ्ट दो। गिफ्ट तो मिल जाएंगे और बहुत बड़ी पार्टी भी होगी, लेकिन क्रिसमस ट्री के पास, क्योंकि हमारे पास क्रिसमस ट्री नहीं है ना? हाँ, नहीं है। तभी निकिता सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को उसे क्रिसमस ट्री के पास ले जाती है, जंगल की ओर, जहाँ सुंदर सा डेकोरेशन में टेंट लगा था और क्रिसमस ट्री सजा हुआ था। तभी सारे बच्चे गाना गाते हैं, जिंगल बेलवा, जिंगल बेलवा, जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला, घर घर ये आला तोपा बाटेला, और बच्चा चिल्लावे देखो सेंटा आगेला। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पोयम है बच्चों। चलो ये अपनी विशेस इस क्रिसमस ट्री के पेड़ पर चिपका दो। जाओ एक एक करके विश लिखो अपनी। ओके सेंटा क्लॉज दीदी, कपकेक्स कब मिलेंगे? जैसे ही विश लिख दोगे तो तुम्हें कपकेक मिलेंगे, उसके बाद डांस पार्टी है। ये मजा आएगा, पहले मैं जाऊंगी। दीदी मैंने विश लिख दी। हाँ, तुम्हारा ही इंतजार था, तुम बच्चों की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है, अब तुम्हारे जाने की बारी है। जन्म हुआ था जीसस का, लेकिन डेथ होगी तुम्हारी।
उस भूतिया क्रिसमस ट्री में से डरावनी भूत की आवाज आती है। पायल जैसे ही उस ट्री पर विष चिपकाती है, तभी वो भूतिया क्रिसमस ट्री में से भूत निकल कर आता है और उस बच्ची को मार डालता है। इसके बाद दूसरा बच्चा आता है, वो भूत भी उसे मार डालता है और एक एक करके वो चार बच्चों को मार देता है। तभी कपकेक खाते हुए बच्चे से कपकेक छीन लेता है और कहता है, ये कपकेक खाने का तुम जैसे शैतान बच्चों को कोई अधिकार नहीं है। हाय निकिता, कैसी हो तुम? जैसी भी हो बहुत बुरी हो तुम। इस बच्चे को देख रही हो? जान से मार दूंगा। छोड़ो इस बच्चे को। कौन हो तुम? कैसे मेरा नाम जानते हो? और बच्चों से क्या दुश्मनी है तुम्हें? छोड़ो उसको। अफसोस, उसे तो मैं जान से मार दूंगा। ये देखो ऐसे। वो भूत निकिता की आंखों के सामने उसके दो बच्चों को मार डालता है। तभी निकिता की चीख निकलती है, स्टॉप इट, हु आर यू, व्हाई आर यू डूइंग दिस? कौन हो तुम? बच्चे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों मार डाला इन मासूम बच्चों को? मासूम नहीं है ये, तुम्हारे मेरे बीच की वो दीवार है जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। कुछ याद आया निकिता? मैं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा शौर्य। शौर्य? तुम शौर्य कैसे हो सकते हो? मौत कैसे हुई? तुम तो चले गए थे ना? याद करो वो क्रिसमस की आखिरी रात जब तुमने मेरी बात से इनकार कर लड़ाई की थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, क्रिसमस का माहौल था, स्नोफॉल हो रही थी और निकिता अपने दोस्त जोसेफ से गले लगकर मैरी क्रिसमस कर रही थी और सेल्फी ले रही थी। ये सब होता हुआ शौर्य देख लेता है और वो कहता है, निकिता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे? तुम इस जोसेफ के साथ गले लग रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं शौर्य, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस मैरी क्रिसमस कहकर विश कर रही थी। शौर्य तुम गलत समझ रहे हो, हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम तो चुप रहो। ओ, लड़कों को गले लगाकर भी विश करते हैं क्या? मुझे तो नहीं किया तुमने। ये सब कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो? मुझ पर विश्वास नाम की चीज नहीं है। तुम्हारे मुंह से विश्वास नाम की चीज अच्छी नहीं लगती। फाइन, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो किस बात का प्यार करते हो? तो आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। सोचा था क्रिसमस डे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, पर तुमने सब खराब कर दिया। मैंने भी सेलिब्रेट नहीं किया निकिता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। हम बच्चों को तोहफे भी बांटेंगे। मैंने गुस्से में जो तुम्हें कहा उसे भूल जाओ प्लीज। नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं है, मेरी जिंदगी में वापस मत आना। बाय फॉरएवर। और अब बच्चों के साथ मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करूंगी, ना कि तुम्हारे साथ। नहीं नहीं निकिता, ऐसा मत करो प्लीज, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मैं। आई लव यू सो मच। निकिता उससे गुस्सा होकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। शौर्य उसके प्यार में पागल था, जिस कारण वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ दूर जाकर उसे जगमगाता हुआ वही क्रिसमस ट्री दिखता है, जिस पर लटक कर वो अपनी जान दे देता है और भूत बनकर कहता है, निकिता ये तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुमने क्रिसमस मेरे साथ सेलिब्रेट न करके बच्चों के साथ किया है। उन्हीं बच्चों की जान ले लूंगा एक दिन। बस उसी बदले की आग में मैंने बच्चों को मार डाला। शौर्य तुम्हें पिछली बार गलत फहमी हुई थी और उसका हिसाब तुमने बच्चों से लेकर बहुत बड़ी गलती की है। जरा बच्चों के पेरेंट्स के बारे में सोचो। मेरी गलती की सजा तुम इन बच्चों को मत दो, छोड़ दो इन्हें। आज का दिन इनका है, इन्हें जाने दो प्लीज। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्योंकि आई लव यू, तुम्हें अभी तक भुला नहीं पाई हूँ मैं। तो तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे पास आने वाली थी, फिर तुम मुझसे बहुत दूर चले गए। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ निकिता, पर अब हम एक नहीं हो सकते। मैं बच्चों को कभी तंग नहीं करूँगा, चला जाऊंगा। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस शौर्य। माफी मांगकर शौर्य हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद निकिता चर्च जाकर उन बच्चों के प्रेयर करती है और गरीब बच्चों को तोहफे बांटती है। तीन भूतिया सैनिक। बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव था, जहाँ तीन भूतिया सैनिक गांव की रखवाली किया करते थे। रात का समय था और चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। तभी गांव के अंदर कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और गांव के सभी लोगों को बंदी बनाकर एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं।
मरोगे तुम सब, मरोगे, वो तीन तुम सबको मार देंगे। अरे बुड्ढे पागल हो गया है क्या, तू तीन की बात कर रहा है और हम 50 आदमी हैं। वो तीन सिपाही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम लोग बहुत पछताओगे। जरा बारा तो बजने दो, सब पता चल जाएगा। सभी आतंकवादी बूढ़े आदमी के ऊपर हंसने लगते हैं और तभी एक आतंकवादी गांव के एक छोटे से बच्चे को गोली मार कर कहता है, वो देखो गांव वालों, तुम सबकी मौत इस तरह ही होगी, अब तुम्हारी मौत को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद चारों तरफ एक तूफान सा आने लगता है और जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये सब अचानक से क्या हो रहा है? तभी वो तीनों भूतिया सिपाही सामने आ जाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, आखिर हम अपने देश के दुश्मनों को मार ही देंगे, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये कहते ही एक भूतिया सिपाही के मुंह से गोलियां निकलने लगती हैं। दूसरा भूतिया सिपाही आतंकवादियों को सीधे निगल जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से हड्डियां और खून निकलता है। वही तीसरा सिपाही भयानक पक्षी जैसे चील को अपने मुंह से निकालता है, जिसके बाद वो चील आतंकवादियों को मारने लगती है। धीरे धीरे कुछ ही समय में तीनों सिपाही गांव वालों को आतंकवादियों से बचा लेते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह, अगर ये तीनों भूतिया सिपाही हमारे गांव में नहीं होते तो शायद हमारे गांव का एक भी आदमी नहीं बच पाता, लेकिन इन तीनों भूतिया सिपाही के पीछे का राज क्या है? तभी वहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे खांसते हुए आता है और कहता है, कुछ साल पहले वो तीनों भूतिया सिपाही इसी गांव में रहते थे और वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तीनों ने एक साथ सिपाही बनने का फैसला किया था, जिसके बाद वो तीनों हमारे गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते थे, लेकिन किसी ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, जिसके बाद गांव के राजा ने उन्हें गांव से तड़ी पार कर दिया। तीनों जंगल में ही अपना गुजारा करने लगे और एक दिन एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है, हमने अपनी गांव की रक्षा के लिए कितना कुछ किया, लेकिन राजा ने हमें ही गांव से तड़ी पार कर दिया। तो क्या हुआ, अगर राजा ने हमें गांव से तड़ी पार कर दिया, हम फिर भी अपने गांव की रक्षा करेंगे। हम सिपाही हैं और हमारा कर्तव्य है हम हमेशा अपने गांव की रक्षा करें, और ये हमारा फर्ज है। तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो राक्षस उन्हें एक वरदान देता है। तुम तीनों को मैं एक वरदान देता हूँ, मरने के बाद भी तुम तीनों सिपाही ही बनकर रहोगे और इस गांव की रक्षा करोगे, और बदले में जितने भी लोगों को तुम मारोगे वे लोग मेरा भोजन बनेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा वजन बढ़ाना होगा, तभी तुम्हें ये वरदान मिल सकेगा। गांव की सुरक्षा के लिए उन्होंने राक्षस को अपनी बलि चढ़ा दी, और यही कारण है कि सिपाही आज तक अमर है और हमारे गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। और जैसे ही वो दुश्मनों को मारते हैं, वो लोग अचानक ही गायब हो जाते हैं और राक्षस का खाना बन जाते हैं। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? उस औरत की बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मैं ये सब इसलिए जानता हूँ
क्योंकि वो बदकिस्मत राजा मैं ही हूँ जिसने उन सिपाहियों को गांव से तड़ी पार कर दिया था और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की जगह बुरा बर्ताव किया था। लेकिन जब मुझे हकीकत पता चली तो मैंने अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया और साधारण जीवन जीने लगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर गांव वाले अचंभित रह जाते हैं और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन गांव में एक आदमी गांव वालों को सूचित करता है, सुनिए सुनिए सुनिए, बॉर्डर पर फौजियों ने संदेश भेजा है, दूसरे देश के फौजी हमारे गांव पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए सभी अपनी सुरक्षा का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि फौजी बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। चिंता मत करो, हमारे पास हमारे तीन भूतिया सिपाही है जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिलती है, लेकिन गांव के सभी लोगों को डर भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ फौजी दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, जिनमें से देश के कई सिपाहियों की जान भी चली जाती है और दूसरे देश के कुछ फौजी गांव के जंगलों तक पहुंच जाते हैं। पर उसी समय रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद तीनों भूतिया सिपाही जाग जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा उन घुसपैठियों को, खत्म कर दूंगा, कच्चा ही निकल जाऊंगा सबको, अपनी गोलियों से एक एक को छल्ली कर दूंगा और अपने गांव की रक्षा करूंगा। ये गांव सिर्फ हमारा है, अगर इस गांव में एक भी घुसपैठिया घुसा तो मैं सबको जान से खत्म कर दूंगा। तीनों भूतिया सिपाही तुरंत जंगल के कोने कोने से दूसरे देश के फौजियों को ढूंढ कर मार देते हैं और उसके बाद बॉर्डर पर जाते हैं। हमारे देश के फौजियों की मृत्यु हो गई है, मुझसे और नहीं रहा जाता, अगर हम लोग वहां गए तो सबकी नजरों में आ जाएंगे और हमारे राज का पर्दाफाश हो जाएगा। अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो जाने कितने फौजियों की जान चली जाएगी, हमें तुरंत बॉर्डर पर जाकर उनकी जान बचानी चाहिए। वो तीनों भूतिया सिपाही तुरंत बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देख दूसरे देश के फौजी बहुत डर जाते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक भी गोली नहीं लगती। जिसके बाद एक सिपाही अपने मुंह से भयानक चील जैसे पक्षियों को निकालता है और वो पक्षी दूसरे देश के फौजियों को मारने लगते हैं। दूसरा सिपाही दुश्मनों को सीधे ही अपने मुंह में निकल जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से खून और हड्डियां निकलने लगती हैं। तीसरा सिपाही अपने मुंह से गोलियां बरसाने लगता है और देखते ही देखते बॉर्डर पर सभी दूसरे देश के फौजी खत्म हो जाते हैं। मैं तुम तीनों सिपाहियों के बारे में जानता हूँ और आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है हमारे देश की रक्षा के लिए, तुम्हारे बारे में तो पूरे देश को पता होना चाहिए। आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है, लेकिन हमारी विनती है कि हमारे इस राज को केवल अपने तक ही रखें ताकि हम अपने गांव की रक्षा करते रहें। ये कहते हुए वो तीनों भूतिया सिपाही वहां से गायब हो जाते हैं। चुड़ैल के तीन मटके। शांतापुर गाँव में सभी लोग खुशी से रह रहे थे। उस गांव के पास एक घना जंगल था जहां जंगली जानवर और भूत प्रेतों का वास था। उस जंगल में तीन डरावनी चुड़ैलें रहा करती थी जो कि बहुत जालिम थीं। वो तीन चुड़ैल रात के 3 बजे 3 मटकों में कुछ डाल रही थीं। पहली चुड़ैल मटके में पुराने मर्दों की खोपड़ी डाल रही थी, दूसरी चुड़ैल दूसरे मटके में लाश के कटे हाथ पैरों को डाल रही थी और तीसरी चुड़ैल तीसरे मटके में इंसानों के कटा सिर रख रही थी। तभी पहली चुड़ैल कहती है, अरे ओ कलावती चुड़ैल, सरा देखना, मेरा पूरा मटका इंसानों की खोपड़ी से भर गया है, अब मुझे एक और मटका चाहिए। क्यों री मायावती, पिछले हफ्ते ही तो 2 बड़े मटके दिए थे, उसका क्या हुआ? अरे यार, खोपड़ी रखते रखते वो तो 2 मटके भी फूट गए। मेरी प्यारी सी चुड़ैल,
ना तो जरा एक दो मटके और बना दे। अबे ओ मायावती चुड़ैल, मैं क्या तेरे को भी मटके बनाने वाली दिखती हूँ? मेरा भी काम है, मुझे भी अपने मटकों में सारे कटे हुए हाथ पैर रखने हैं। हट यहाँ से। अरे ओ मायावती कलावती, तुम दोनों को हो क्या गया? देख तो चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से मैं कटे हुए सर अपने मटके में नहीं रख पा रही हूँ। चंद्रवती तू चुपचाप काम कर, हम दोनों के बीच में मत आ। अरे देखो टाइम हो गया है, मारने चलो लोगों को। अब हमें और भी तो खोपड़ी, कटे सर, कटे हाथ पैर इकट्ठे करके इसकी माला बनाकर पहननी है। ये कहते ही तीनों चुड़ैल शांतापुर गांव में जाती हैं और घरों में घुसकर लोगों को मारने लगती हैं। तभी कलावती चुड़ैल रश्मि से कहती है, हा हा हा, मैं तुम्हें मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल कौन हो तुम, कहां से आई हो? मैं कलावती चुड़ैल हूँ, गांव के पास वाले जंगल में रहती हूँ। कलावती? अच्छा तुम वही कलावती हो जिसके पीछे महेश बाबू गाना गाते हैं, कमान कमान कलावती नो वे कथे नो वे थे। पागल औरत है क्या, और मुझे गाना सुनाकर क्या इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीत कर ले जाएगी? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा गाना गाया ना, प्लीज छोड़ दो, चाहे तो किसी और को उठा लो पर मुझे बख्श दो। नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा कर खा जाऊंगी, साथ ही तेरे हाथ पैरों को काट कर अपने मटके में रखूंगी। कलावती चुड़ैल इतना कहते ही उस औरत को मार डालती है। फिर वो किसी और के घर में जाकर उन्हें मारती है, साथ ही उनके हाथ पैर काट कर अपने मटके में भर के ले आती है। वहीं दोनों चुड़ैलें लोगों को मार रही थी, चंद्रावती सिर काट रही थी तो मायावती खोपड़ी अलग करके ला रही थी। इसी तरह तीनों ने गांव में आतंक मचा दिया था, लगातार लोगों को मारी जा रही थी। सबको मारने के बाद उनके कटे हाथ पैर, कटे सिर, उनकी खोपड़ियां इकट्ठे करके अपने मटके में भरकर हंसते हुए कहती हैं, अरे वाह आज तो बहुत सारे खोपड़े इकट्ठे करके लाई हूँ। मेरे लिए तो एक औरत गाना गाई थी, कमौन कमौन कलावती, कमौन कलावती, सोच रही थी मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने उसका वो हाल किया है जो उसकी सात पुश्ते याद रखेंगी। अच्छा जी, और मैंने तो मक्खन की तरह लोगों के सर को काटा है, अब उन्हीं सजा कर मटके में रखूंगी, फिर पहनूंगी उनके कटे सर की माला। इस तरह तीनों चुड़ैलें अपने अपने मटके में कटे सिर, कटे हाथ पैर और खोपड़ियों को रख लेती हैं। कुछ देर बाद उनकी माला बनाकर पहनती हैं। उनके आतंक का शोर पूरे गांव में फैल चुका था, इसलिए गांव की एक औरत उनको मारने के लिए तांत्रिक बाबा का सहारा लेती है। तभी वो तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करके चुड़ैलों को अपने बनाए घेरे में बुलाता है। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, कलावती मायावती चंद्रवती आहा, आओ मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। ओम चामुंडा काली चुड़ैल नमः, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही तीनों मटके वाली चुड़ैल उस घेरे में आ जाती है और कहती है, क्यों रे करीब तांत्रिक, इनविटेशन नहीं दे सकता था, हम खुद आ जाते, क्यों तू अपने चूर्ण जैसे भस्म को बर्बाद कर रहा है? तुम कभी खुद नहीं आती, तुम्हें घसीट कर बुलाना पड़ता है, और वैसे भी मेरे मंत्र का जाप किसी इनविटेशन से कम है क्या? कोई कोई तो आती भी नहीं है। पर हम तेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से आए हैं, क्योंकि हमें पता है हम तीनों तेरा खात्मा कर देंगी, तू हम तीनों को कैद नहीं कर सकता। इसीलिए फोकट में टाइम खोटी ना करो, जल्दी बता क्यों तूने हम तीनों को यहाँ बुलाया है? तुम्हारे कारनामों को रोकने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हम नहीं बताएंगे, जो करना है कर ले पागल तांत्रिक। तांत्रिक के इतना कहने पर भी वो चुड़ैलें उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी तांत्रिक उन चुड़ैलों पर भस्म फेंक देता है, जिसके बाद तीनों मटके वाली चुड़ैल तिल मिला जाती हैं और कहती हैं, अरे मत मारो,
छोड़ दो हमें, हम सब बताते हैं। हाँ मैं बताती हूँ, कुछ महीने पहले की बात है। हम तीनों इसी गांव में रहा करते थे, हम तीनों सहेली थे और एक साथ उसी गांव में रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन मेरे बाबा की तबीयत खराब हो गई तो चंद्रवती कलावती मेरे घर आई और कहने लगी, मायावती तुम चिंता मत करो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे और पैसों का इंतजाम भी हम कर देंगे। पर कैसे यार? अरे हम दोनों मटके बेचकर उन पैसों से तेरी मदद करेंगे बस। हाँ इसीलिए अब चिंता छोड़। ठीक है पर तुम दोनों अकेले नहीं, मैं भी करूँगी। तुम मेरे लिए इतनी मेहनत करोगी तो मुझे भी तो आना चाहिए ना। तो ठीक है कल से हम तीनों मटके बेचेंगे। इस तरह तीनों सहेली मिलकर मटके बेचने लग गईं, जिससे मायावती के घर की आर्थिक स्थिति और उसके बाबा का इलाज भी ठीक से हो गया। ऐसे ही रात का अंधेरा ज्यादा था, उस वक्त तीनों सहेली घर जाने में लेट हो गई थी। तभी दो आदमी उनके पास आते हैं और कहते हैं, हाय हाय ये मोहतरमा क्या खूबसूरत बला है, और दूसरी तो माशाल्लाह है भाई। भाई इस वाली को देखना, बिल्कुल होर की परी लग रही है। इन दोनों में से एक कलावती के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी मायावती बोलती है, ओ हेलो क्या बदतमीजी है, छोड़ो इसे। ऐसे कैसे छोड़ दूं जाने मन। तभी चंद्रवती उस आदमी के सिर पर एक जोर का डंडा मारती है, जिसकी वजह से वो आदमी गुस्से में आकर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब तो देख तुझे क्या, मैं दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। जग्गी मार डाल, इन्हें भी तो पता लगे कि इसने किस पर हाथ उठाया है। उस आदमी के बोलते ही उसका दोस्त और वो उन्हीं के मटके उठाकर उसके सिर पर मार देते हैं, जिस वजह से तीनों मर जाती हैं। और मरने के बाद चुड़ैल बनकर कहती है, इन आदमी ने हमें मार कर बिल्कुल ठीक नहीं किया, जिस मटके से इसने हमें मारा उसी मटके में हम तीनों उसकी खोपड़ी कटासर और उसके शरीर के अंग रखेंगे। हाँ हमें इन दोनों आदमियों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोलकर तीनों चुड़ैल ने उन दोनों आदमियों को ढूंढकर मार देती हैं और उनकी खोपड़ी कटे सिर और हाथ पैरों को अलग करके कहती हैं, देख चिरकुट का हमने क्या हश्र किया है, बड़ा बोल रहा था ना माशाल्लाह खूबसूरत वाला। ए कलावती अब से हम जिनको भी मारेंगे उसी मटके में इनकी लाशों को भी रखेंगे, तो आज से खोपड़ी रखने का डिपार्टमेंट मेरा है और तू कटे हाथ पैर और चंद्रवती कटे सिर का डिपार्टमेंट संभालेगी। ओके मेरी चिकनी चमेली। बस तब से ही हमने और भी गांव के लोगों को इसी तरह मारना शुरू कर दिया, समझा पागल तांत्रिक? तूने मुझे पागल बोला? तू पागल, तेरी सहेलियां पागल, तुम तीनों चुड़ैले पागल, समझी तुम? बड़ा आई मुझे पागल कहने वाली, तेरी जैसी मधुमक्खियों को मैंने यूं भस्म फेंक कर मुक्त किया, और इसलिए अब तुम तीनों भी जाओ, टाटा बाय बाय खत्म। ये बोलते ही तांत्रिक तीनों पर मंत्र पढ़कर भस्म फेंकता है, जिसके बाद वो तीनों जलकर गायब हो जाती हैं, साथ ही उनके तीनों खूनी मटके भी गायब हो जाते हैं। तब से उस गांव में सुख शांति कायम हो जाती है।